भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र के गोविंदपुर मोहनपुर स्थित एक बगीचे में बांस के पेड़ से लटका एक युवक का शव बरामद हुआ है। वहीं शव को देख स्थानीय लोग हैरान रह गए, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतक की मां ने बताया कि रात को वह अपने घर में सोई थी, जबकि उनका बेटा दूसरे घर में सोया था। सुबह जब उन्होंने अपने बेटे को जगाने के लिए दूसरे घर का रुख किया तो वह वहां नहीं था। इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनकी तलाश की और फिर पता चला कि उनका बेटा बांस के पेड़ से गले में रस्सी का फंदा लगाकर लटका हुआ है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से शव को नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने घटना की सूचना पीरपैती थाना पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की मां कुसुमा देवी ने थाने में एक लिखित आवेदन देकर अंबिका यादव, पप्पू यादव, भोली यादव, उपेंद्र यादव, चंचल यादव, चीचो यादव, प्रदीप यादव, शिवाजी यादव, दिलीप सिंह के बेटे को हत्या का आरोपी बनाते हुए नामजद किया है। मृतक मनोज कुमार कौन लगते हैं आपके? उनका बेटा है। हाँ। कैसे मौत हो गई है उसकी? कैसे मौत हो गई? काल रात हमारा पुतवा का पहुँचाने हम सूत गए था, आया वो पुतहु यंगन आया हवा, उसको उधर कब्जा कर लिया। कहाँ पे सोने के लिए गया था? मेरे पास में गया था, यहाँ रूम बैठक में सोने गया था। अच्छा, पता कैसे चला? पता सुबह चला, हम तब तीन बजे से खोजते खोजते बिछना से चला, तो हम कहे बेटा हमारा कहाँ उठ चला गया कि कोई बोले लो पोछ है, तब हम देखे छो ना आवे छो दुआरी पर सा झूल बिटा में झूले छो। तक मनोज कुमार के आप भाई हुए और उनके साथ में ही कल आप सोए थे? 10 बजे रात में जो है ना, हमको जो है नींद लग गया था, हमको नींद घूम ले, हम जो है ना भैया को बुलाया, कोई भैया उठ के चला गया। कितने बजे? 10:30 बजे के आसपास में। अच्छा, उस समय से गया था, हम सोचे कि गया होगा घर में टैबलेट वैबलेट देने के लिए, बस मम्मी को बोला कि मम्मी आया था मेरे पास में, आया था तो आया के पास जो है सही से दुआर एक भी बार नहीं गया है, इधर घेर के इधर मार दिया है। अच्छा, किन मतलब क्या करते थे मनोज कुमार? गांव में इसी तरह पढ़ाई पढ़ता लिखता था। शादी हो गया है? ना, पर ना शादी ना हुआ। शादी नहीं हुआ, टेंशन वगैरह। झगड़ा किसी से कल पंचायती होने की बात सामने आ रही है? पंचायती हो रहा था। एक मिनट रुके चाची, आपसे पंचायती हो रहा था कि केस ना उठाएगा ना, तो हम तुमको गोली मार देंगे, धमकी दे रहा था। ये सब आदमी कौन कौन थे? दिलीप सिंह था, अंबिका यादव था, प्रदीप यादव था, भोली यादव था, और जो है चीचो यादव था, पहरू यादव था। किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ था पहले? ये जो है गांव में जो था कि बोल रहा था टैक्स नहीं देगा तो तुम डॉक्टर या करने लायक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, क्या कौन बात में झगड़ा हुआ था यहाँ पे? हम लोग मान नहीं था, झगड़ा हुआ है तो पहले हम केस किए, हमको मार को बेटा को बेहोश करके सुता दिया, तो हम केस किए था, तो केस नहीं उठाएगा तो आपका बेटा को जीने नहीं देंगे। मरने की सूचना पहले कौन देखे थे कि लटका हुआ है? मम्मी देखा था, रूम में आके अभी बैठे थे सो के, तो मम्मी बोला कि भैया करो मार के मौत को, बेटा को जूते देखा के हमरो बेटा मार दिया, हमारा बेटा को मार दिया। भागलपुर में अवैध नर्सिंग होम की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिससे लगातार झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की मौतें हो रही हैं। हाल ही में नौगछिया के खरीक में स्थित एक अवैध नर्सिंग होम विश्वकर्मा हेल्थ केयर सेंटर में महिला का पथरी का ऑपरेशन बिना बेहोश किए किया गया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद क्लिनिक के संचालक और स्टाफ अस्पताल में शव छोड़कर फरार हो गए। मृतका की पहचान पश्चिमी घरारी निवासी सीलम देवी के रूप में हुई है। परिजनों और ग्रामीणों ने इस घटना के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर नरेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया, जिसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। मृतका के बेटे मिथुन कुमार ने बताया कि उनकी मां को पेट में दर्द की शिकायत थी और इलाज के लिए आशा नूतन देवी उन्हें इस नर्सिंग होम में ले गई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का विकल्प सुझाया और 30,000 रुपये जमा कर माँ को भर्ती कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान माँ दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन में थोड़ा दर्द होना सामान्य है,
अगले दिन सुबह उनकी मां की मौत हो गई। वहीं स्थानीय उपमुखिया राकेश कुमार दास ने बताया कि मृतका का परिवार गरीब है और अब उनके 4 बच्चों की परवरिश की समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने प्रशासन से क्लिनिक संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि क्लिनिक पर कोई बोर्ड नहीं था और घटना के बाद ही पर्ची देखकर इसका नाम स्पष्ट हुआ है। मामला हल्ला से हमरा नायक नाम से सिलमी देवी और ओकरा पेटम से ले दर्द पथरी से ले पेटम पथरी से ले तो ओकरा रात के उठल रे दर्द 11 बजे दर्द उठल रे तो ओकरा ले के लिए राजू मतलब राजू को बुला के ले के लिए घर गरम दवा से आदल के आराम भेले राजू के एकरा में बैठ रहे छे तो दवा सुइया देलिए आराम भेले तनी वो तो दोसरो दिन ओकरा लेके गेलिए अथी अल्ट्रासाउंड करबे ल आसान लग गेले गम्मा का साथ तो गया डॉक्टर दवाई उवाई लेने के लिए लाके आया दवाई उवाई उस टाइम हम बात करके गए हुए थे खाना लाने के लिए वहाँ पे और बंदा था ना हमारा तो उसके लिए खाना लेने गया था मैं खाना उना लाके खाना उना दे के उसको आया तो उन्होंने दवाई उसको सुई हुई लगाया डॉक्टर ने उसको उस टाइम अच्छा खासा बोल रही थी वो तो उस टाइम दवाई उवाई दिया उसके बाद वो डॉक्टर चला गया बाहर दवाई लेने के लिए वहाँ पे उसका नर्स था कोई तो दवाई का जो असर जब को करने लगा उस शरीर में तो उसका सांस फिर से वापस वैसे ही अटकने लगा उसका तो मैं आधा घंटा से डॉक्टर को कम से कम रिक्वेस्ट किया कि देखो इसको क्या हो रहा है इसको वो करो काम करो इसका क्या हो रहा है इसको देखो वो सुन ही नहीं रहा था इधर उधर घूम रहा था खाली सुनवाई कोई दे ही नहीं रहा था। ये कब की घटना है? ये है आज का 9 बजे करीब 9 बजे का घटना है आज सुबह। हाँ सुबह 9 बजे का। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट में एक दुकान में घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगने की घटना सामने आई है। हादसे के दौरान राहगीरों के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल यह आग एक गैस चूल्हा रिपेयर की दुकान में लगी थी जहां अचानक गैस रिसाव के कारण धमाका हुआ। इस विस्फोट की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी जिससे लोग डरकर घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में हजारों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है, साथ ही आसपास की 1-2 दुकानें और एक हाई टेंशन तार भी क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह रही कि हाई टेंशन तार में करंट नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने 2 बड़े वाहन और 1 छोटी वाहन का इस्तेमाल किया। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नागेंद्र उपाध्याय ने पुष्टि की है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है और स्थिति अब सामान्य है। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित संयुक्त कृषि भवन परिसर में सोमवार को रबी महाअभियान 2024 के अंतर्गत जिला स्तरीय रबी कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, आत्मा के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, उप निदेशक रंजीत प्रताप पंडित, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्राचार्य डॉक्टर एसन राय, जिला कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार यादव, डॉक्टर ममता कुमारी, डॉक्टर सौरभ चौधरी और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्राची सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन आत्मा भागलपुर के परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने किया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600।
भागलपुर के एक निजी होटल में क्रिकेट लीग बीसीएल सीजन 3 का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर ऑक्शन कार्यक्रम के दौरान 6 टीमें बनाई गई, जिनमें बूढ़ानाथ चैंपियन, तिलका मांझी फाइटर, बटेश्वर पल्टन, त्रिलोकीनाथ टाइगर, विक्रमशिला वॉलियर और अंग सुपर किंग्स शामिल हैं। कार्यक्रम में क्रिकेट लीग के आयोजक और समाज सेवी विजय यादव समेत सभी टीम मालिक मौजूद थे। समाज सेवी विजय यादव ने अपने संबोधन में कहा कि उनका सपना है कि भागलपुर के खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व करें और बिहार व भागलपुर का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। इस आयोजन से खिलाड़ियों को अपने हुनर को प्रदर्शित करने और बड़े अवसरों की ओर बढ़ने का मंच मिलेगा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने मिरट्टी गांव से हत्याकांड के मुख्य आरोपी उदय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष प्रियरंजन ने बताया कि भंगा बांध के पास कुछ महीनों पहले एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इस मामले में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने उदय यादव को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिल्ली स्थित बोध फिल्म प्रोडक्शन हाउस आगामी 15 नवंबर को भागलपुर में साहित्य और हम कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। दरअसल इस कार्यक्रम का उद्देश्य साहित्य की महत्ता और उनके योगदान को पुनर्जीवित करना है। कार्यक्रम के आयोजक और बोध फिल्म्स के संचालक सुमित कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि साहित्य हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह समय के सच को बताने का कार्य करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक समय था जब घर घर में पत्र पत्रिकाएं देखी जाती थी, लेकिन आधुनिक समय में साहित्य समाज के बीच धुंधला सा हो गया है। सुमित कुमार का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से साहित्य की गरिमा और उनके महत्व को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा सकता है। दरअसल बोध फिल्म्स, जो डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, सरकारी प्रोजेक्ट, लाइफस्टाइल कवरेज और इवेंट्स के क्षेत्र में काम करती है, ने इससे पहले भी भागलपुर में घर घर स्टार जैसे कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया है।